प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए दवाइयों पर लगे अधिकतम कर को हटाने की मांग की और जिसको लेकर एक 8 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर GST शून्य की जाए, सकल घरेलू उत्पाद का 5% स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय दवा कंपनियों के अधिग्रहण से रोका जाए, दवा क्षेत्र में कॉरपोरेट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दंड प्रावधान के साथ साथ एक वैधानिक कोड तैयार किया जाए, 800 से ज़्यादा जीवन रक्षक दवाओं के दाम 10% तक बढ़ाने के फैसले को सरकार वापस ले। इन जैसी विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल से जुड़े लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अजय चौधरी, चंद्रकेश सैनी, अजय कुमार, विपिन कुमार, राहुल पाल, ब्रजेश शुक्ला, नागेश पाठक, अभिषेक, मयंक, विकास भारती, हिमांशु आदि लोग मौजूद हैं। हम लोगों की मांग है, अभी मोदी सरकार ने 800 दवाओं पे 10% से ज़्यादा की मूल्य वृद्धि की घोषणा की। उन 800 दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं, आम आदमी जिसके सहारे जीता है पैरासीटामोल वो भी शामिल है। अगर ये दवाएं दाम बढ़ जाएंगे तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पब्लिक तक कैसे पहुंच पाएंगी। कोरोना महामारी में आधे से ज़्यादा बजट दवाओं में खर्च हुआ है पब्लिक का, दोबारा कोरोना दस्तक दे रहा है, पब्लिक महंगी दवाएं खाने को मजबूर रहेगी। ऐसी दवाएं जो कि ज़रूरी हैं, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, उनसे मूल्य वृद्धि वापस। दूसरा, देश का 5% GDP स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होना चाहिए, ये हमारी डिमांड सरकार से है। 5% GDP का दवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें ताकि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तीसरा, किसी भी तरह का GST, 18% GST हम दे रहे हैं दवाओं पे हमारी पब्लिक, ये माफ़ होना चाहिए, दवाओं पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दवाएं जीवन रक्षक हैं। दवाओं के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए और हम सरकार हमारी 18% GST ले रही है, तो ये गलत है। इन सारी नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन DM साहब के थ्रू भेजेंगे द्वारा, ताकि ये सरकार कुछ सुने, ये सरकार में जागो और एक पब्लिक से भी हम अपील करते हैं, दवाओं के दाम जो बढ़े हैं उसको बढ़ चढ़ करके उसका विरोध करें ताकि सरकार उसे सुने।